आज हम एल्यूमिनियम ग्लास पार्टीशन कैसे फिक्स करते हैं वो देखने वाले हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम फ्रेम को फिक्स करते हैं, दीवार को ड्रिल करके वहाँ पूरा स्क्रू से एल्यूमिनियम फ्रेम फिक्स करते हैं। इसमें लगने वाला मटेरियल मतलब मेनली एल्यूमिनियम, इसके बाद में ग्लास, प्लेन ग्लास, डिजाइन ग्लास, इसके बाद में लगने वाले वो ग्लेजिंग क्लिप्स, ये देख सकते हैं ग्लेजिंग क्लिप्स, इसमें ईपीडीएम रबर गैस्केट ग्लास को फिक्स करने के लिए, और ये प्लेन ग्लास डोर, इसके बाद में डेकोलाइट बोर्ड जो ऊपर साइड में लगना है, और ये डिजाइन ग्लास, ये आप देख सकते हैं। एल्यूमिनियम फ्रेम प्रॉपरली फिक्स करने के बाद में इसमें ग्लेजिंग क्लिप्स का इस्तेमाल करते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये ग्लेजिंग क्लिप्स प्रॉपरली फिक्स करना बहुत ही जरूरी है। ये देखिए ग्लेजिंग क्लिप्स कैसे फिक्स कर रहे हैं, उसके बाद में इसमें वो डेकोलाइट बोर्ड फिक्स करेंगे। ये देखिए डेकोलाइट बोर्ड फिक्स कर रहे हैं, इसको भी डेकोलाइट बोर्ड को भी ईपीडीएम रबर गैस्केट से कवर किया हुआ है चारों तरफ, वो काला कलर का रबर आप देख सकते हैं। ये फिक्स करने के बाद में बाहर साइड से ग्लेजिंग क्लिप्स यूज करते हैं ताकि वो प्रॉपरली फिक्स हो। अभी ये साइड का जो डिजाइन ग्लास जहाँ बैठाना है उसके फ्रेम के लिए ग्लेजिंग क्लिप्स फिक्स कर रहे हैं। ये देखिए ग्लेजिंग क्लिप्स कैसे फिक्स कर रहे हैं। ये देखिए इसमें कैसे जगह रहता है वो फिक्स करने का। अब ये दूसरे साइड में डेकोलेट बोर्ड फिक्स कर रहे हैं। ग्लेजिंग क्लिप्स लगाने के बाद में बाहर साइड से पहले लगाते हैं, फिर बोर्ड फिक्स करते हैं, फिर अंदर साइड से फिर से ग्लेजिंग क्लिप्स लगाते हैं। इधर आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम ग्लास पार्टीशन एक इकोनॉमिकल विकल्प है। वैसे पार्टीशन में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, लेकिन ये थोड़ा इकोनॉमिकल पार्टीशन है। और ये एल्यूमिनियम ग्लास पार्टीशन देखने में भी अच्छा है और ज़्यादा चलने वाला भी है, ज़्यादा ड्यूरेबल भी है। ये देखिए अभी डिजाइन ग्लास कैसे बैठा रहे हैं, पहले ग्लेजिंग क्लिप्स बैठा है, बाद में ग्लास बैठा है, और उसके ऊपर फिर से ग्लेजिंग क्लिप्स बैठा के उसको फिक्स कर रहे हैं। ग्लास रबर में कवर किया रहता है, जो काला रबर दिख रहा है वो ईपीडीएम रबर गैस्केट बोलते हैं इसको, उसमें रबर ग्लास फिक्स करते हैं ताकि ग्लास प्रॉपरली फिक्स हो सके। और ग्लास की सेफ्टी के लिए भी अच्छा है वो। ये देखिए ग्लास कैसे फिक्स कर रहे हैं और ग्लेजिंग क्लिप्स उसको दबा करके प्रॉपरली उसको सपोर्ट कर रहे हैं।
अब ये ऊपर वाला डिज़ाइन का ग्लास है। इसमें इस पार्टीशन में एक साइड में एक प्लेन डोर है जो प्लेन ग्लास का डोर है और दूसरी साइड में डिज़ाइन ग्लास है और बीच में एल्यूमिनियम स्ट्रिप है। इस टाइप का एक पार्टीशन है, ऊपर में ग्लास डिज़ाइन ग्लास, नीचे में डिज़ाइन ग्लास, बीच में एल्यूमिनियम स्ट्रिप और एक साइड में प्लेन ग्लास डोर और उसमें भी एल्यूमिनियम स्ट्रिप। ये देखिए ऊपर का ग्लास कैसे बैठा रहे हैं, डिजाइन वाला ग्लास कैसे बैठा रहे हैं। ये डिजाइन वाला ग्लास बाहर से प्लेन ही रखता है और अंदर से डिजाइन रहता है। ये देख सकते हैं ये देखिए बैठाने के बाद कैसा दिख रहा है। अभी ये प्लेन ग्लास डोर बैठा रहे हैं, अभी ये प्लेन ग्लास डोर हिंजेस की जगह पिवोट पे बैठा रहे हैं। एक अपर साइड में पिवोट रहता है, एक नीचे साइड में पिवोट रहता है। तो पिवोट दोनों डोर के दोनों तरफ से उसको स्क्रू करके उसका बेस बनाया जाता है, उसमें फिक्स करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये देखिए और ये पिवोट के थ्रू ही दरवाजा मूव होता है, घूमता है। ये देखिए ये लॉक के लिए होल कर रहे हैं, देखिए इसको ड्रिल करके लॉक का अरेंजमेंट कर रहे हैं। इस टाइप का पार्टीशन ऑफिसर्स, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स यहाँ इस्तेमाल किया जाता है या फिर यहाँ फिक्स किया जाता है। अगर आपको चाहिए तो वो ग्लास के ऊपर फ्रॉस्टेड फिल्म भी लगा सकते हैं। ये डोर क्लोजर फिक्स कर रहे हैं, इधर आप देख सकते हैं। ये देखिए डोर क्लोजर प्रॉपरली फिक्स कर रहे हैं ताकि दरवाजा ठीक से बंद हो सके। ये देखिए और ये कैसे पिवोट के थ्रू दरवाजा घूमता है, इधर आप देख सकते हैं। और ये डोर क्लोजर, ये डोर स्टॉपर लगा रहे हैं। अगर आपको दरवाज़ा खुला रखना है तो उस डोर स्टॉपर को नीचे लगा के आप खुला रख सकते हैं। इसमें कुछ गैप है तो सिलिकॉन भर रहे हैं। अब ये पार्टीशन तैयार हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।